बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हिन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके? जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होनी ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देख कर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचाते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी के पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए।
राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में जल यानी प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहीं ऐसा कुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय सियाराम।